तो गाइस वेलकम टू थिंक इजी। और ये वीडियो अभी जो हम बना रहे हैं लाइव सेंटर से, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी सेंटर पर हमने देखा है कई बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है आईडी को लेकर रिलेटेड, बच्चों का एग्ज़ाम में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि आपको 2 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट कलर फ़ोटो, आपको जो आपकी फ़ोटो है उसकी 2 कलर्ड कॉपी लेके आनी है। दूसरी बात, आपको जो आईडी लानी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, तो आधार कार्ड जो पहले बनाए गए थे उनमें मात्र अपनी ईयर दे रखी है, ना कि डेट ऑफ बर्थ। और इस वजह से कई बच्चों को वापस पेपर में नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि आप जो आईडी लेके आ रहे हो ओरिजिनल आईडी, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित हो, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा दे रखा हो, डेट, मंथ एंड ईयर। क्योंकि अभी कई बच्चों को जिनका आधार कार्ड लेके आए थे उसमें सिर्फ ईयर मेंशन था, तो इसलिए अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ ला रहे हो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से अंकित हो, ओनली ना ईयर हो। सिर्फ ईयर होगा तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है एक छोटी सी गलती के कारण। इस टाइम पर गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी चीज़, जैसे आप हाथ में धागा पहन रहे हो या कान में बालियाँ हैं, तो उनको खोल के आइएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को, वो चीज़ हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है और अपनी आईडी लेके आनी है, और उसके बाद कलर्ड फ़ोटो कॉपी कलर्ड फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है पेपर में कि पेशेंस नहीं खोना है, पेपर ईजी आएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको देखने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट, आपको किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम दीजिएगा हर सेक्शन को, और टेक्निकल हो सके तो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होता है कि हम इजी क्वेश्चन में पहले उलझ जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन जो इजी रहता है उनके लिए टाइम नहीं बचता। और आधे घंटे पहले जो आपका डेट ऑफ कमिसमेंट है उससे आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुँचिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। दूसरी बात, आपका जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, आपके जो भी क्वेश्चन आएँ, आपको जो भी डाउट आए आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी पेपर होते ही हम क्या रहा पेपर का जो भी एनालिसिस, वो हमको आपको पेपर होते ही हम आपके चैनल पे डालेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जो जो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ रहे हैं उनको कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एक्सपीरियंस फॉर SSC JEE 2018 prelims। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।